नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर के नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों अभी भी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, बैंक कर्मचारी हैं, सभी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए एक तानाशाही आदेश जारी किया गया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि सरकार की तरफ से जो मोस्ट इमीडिएट आदेश जारी किया गया है DOPD की तरफ से, उस आदेश में क्या कहा गया है हमारे केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, DOPD की तरफ से ये लेटेस्ट मोस्ट इमीडिएट आउट टुडे ऑर्डर जारी किया गया है 25 नवंबर 2020 को। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं प्रपज नेशन वाइड प्रोटेस्ट बाय कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ऑन नवंबर 26, 2020, इंस्ट्रक्शन अंडर CCS कंडक्ट रूल 1964 रिगार्डिंग। दोस्तों सरकार ने गुरुवार को होने वाली यानी आज होने वाली 10 मजदूर यूनियनों की हड़ताल को लेकर बड़ा कदम उठाया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देश के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आज हड़ताल के किसी भी रूप में भाग लेने से रोक लगा दी है। इस संदर्भ में सरकार ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मजदूर यूनियनों ने दावा किया है कि 26 नवंबर को जो हड़ताल हो रही है यानी आज हो रही है, उसमें लगभग 25 करोड़ मजदूर हिस्सा लेंगे। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं घबरा गई है और ये सरकार की तरफ से एक तानाशाही आदेश कह सकते हैं वो जारी किया गया है हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि अगर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी इस हड़ताल में हिस्सा लेता है, भाग लेता है, तो उसके खिलाफ CCS कंडक्ट रूल 1964 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों इस हड़ताल में हमारे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की मांगों को भी रखा गया है, जैसे महंगाई भत्ते को अनफ्रीज करना, बहाल करना और उस पर एरियर देना, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और FR 56J के तहत जो सरकार ने आदेश जारी किया है उसको वापस लेना, जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। इसमें हमारे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के टोटल 12 मांगों को शामिल किया गया है। तो इस आदेश के माध्यम से DOPD की तरफ से सभी विभागों को कहा गया है कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को किसी भी प्रकार की पेड लीव या कैजुअल लीव नहीं दी जाए और जो भी कर्मचारी इस हड़ताल में भाग लेता है उसका ब्यौरा संबंधित विभाग को भेजें और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों अगर आप भी इन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के साथ में हैं, इन मांगों का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों तक इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिए। क्या सरकार की तरफ से ये तानाशाही आदेश जारी हो जाने के बाद भी अगर आप इस हड़ताल में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये थी एक लेटेस्ट खबर सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।